हमें चाहिए सबसे पहले एक मोटे तले का बर्तन। नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं आपका श्वेता के तड़का में। और आज हम बनाएंगे ब्रेड कलाकंद। तो ये देख रहे हैं आप, देखने में कितनी सुंदर लग रही है और इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम समय में ये बनती है। और ये लग रहा है ना, बिल्कुल अभी अभी आप मार्केट से लेके आए हैं। तो चलिए हम बनाना सीखते हैं, इसे किस तरह से बनाते हैं और इसमें हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम डालेंगे 1 लीटर के करीब दूध। ये देखिए, और अब इसे हमें दूध को गाढ़ा करना है। ये देखिए, इस तरह से चलाते रहिएगा। बर्तन जो है भारी तले का ही होना चाहिए, नहीं तो दूध जो है नीचे जाके लग जाएगा। और इसे आप कंटिन्यू चलाते रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस ये 5 से 10 मिनट के अंदर अब हमारा दूध जो है बिल्कुल पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। ये तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। और इधर जो है 10 ब्रेड ली है, इसके साइड्स मैंने निकाल दिए हैं ये देखिए। और मैंने छोटे साइज़ की ब्रेड ली है, बड़े साइज़ की नहीं लिए, तो इसीलिए मुझे 10 ब्रेड की ज़रूरत पड़ी है। और इसके हमने इसे निकाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है रबड़ी के उसमें आ गया है, बिल्कुल रबड़ी की तरह ही हमें चाहिए था। तो अब हम गैस को करेंगे ऑफ। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब चीनी। जो लोग कम खाना पसंद करते हो 1 चम्मच डालें, मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब चीनी डाली है। ये देखिए आप, चम्मच भी मेरी इतनी छोटी है। और इसे हम फिर से चलाएंगे, क्योंकि मिठाई है ना, तो थोड़ा मीठा तो चाहिए इसमें, बिल्कुल हल्का मीठा ही चाहिए हमें इसमें, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। तो ये देखिए, और अब हम लेंगे एक ट्रे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले इस तरह से नीचे थोड़ा सा फैला लेंगे इसमें ट्रे में। ये देखिए, बड़े ही आराम से करिएगा, क्योंकि दूध जो है अभी बहुत ही गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो हमने ब्रेड के किनारे निकाले थे, वो ब्रेड इसमें हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। लगाएंगे, मैंने ये स्लरी बनाई है, दूध है 1/2 कप के करीब, इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी डाल दी है मैंने। और इसे बढ़िया तरीके से और इसमें हम फैला लेंगे। बढ़िया तरीके से आप फैला दीजिएगा पूरे में। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर से अब हम फिर से ये जो हमने रबड़ी तैयार की थी वो डालेंगे हम। रबड़ी को थोड़ा हमने पतला ही रखा था, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी रबड़ी को मैंने इसके ऊपर इस तरह से फैला दिया है। और अब इसके ऊपर हम बिल्कुल बाजार वाला लुक देने के लिए इसके ऊपर डालेंगे कुछ हम ड्राई फ्रूट, जिसमें कि मैंने लिए हैं बादाम। ये देखिए इस तरह से, थोड़े से लिए पिस्ता, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। और थोड़े से मैंने डाले हैं काजू। इस तरह से इसको बारीक काट लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी, तो इसे हम रखते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे बाद ये हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी उठा के। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी ब्रेड कलाकंद बनके बिल्कुल तैयार है। कोई नहीं कहेगा ये कि आपने घर में बनाई है, ब्रेड से बनी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर कितनी, देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। तो इसे आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं और सबके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।